योजना में इसको मानता हूँ, क्योंकि जो गांव का गरीब है या मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, इसका नाम सूची में आ जाएगा, कार्ड बन जाएगा। खासतौर पर मैं गांव के किसानों की गरीबों की बात करूंगा, जिनके कार्ड ज्यादा बन रहे जो सूची में। हमें चूंकि मैं खुद गाँव का रहने वाला हूँ, मैंने ये देखा है कि किसान अपने खाने का प्रबंध कर लेता है, अपने रहने का भी प्रबंध किसी तरीके से कर लेता है, अपने कपड़े का भी प्रबंध कर लेता है, लेकिन वो कर्जदार का बनता है जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गंभीर बीमारी हो गई, लाखों रुपया का खर्चा है, उस स्थिति में वो साहूकारों का चक्कर लगाता है और अकल्पनीय दरों पर ब्याज देता है, और जो जमीन वो गिरवी रखता है वो जमीन से वो छुड़ा नहीं पाता। किसान भूमिहीन हो जाता है, किसान से मजदूर बन जाता है। तो इस योजना ने खासतौर से ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि की है कि हमारे लाखों किसानों को मजदूर बनने से बचा है। इसके अलावा भी अन्य जो वर्ग हैं, हमारे जो मजदूर वर्ग है, मनरेगा में कार्य कर रहे हैं, रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, जो हमारे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास पैसा नहीं है इतना कि वो इलाज करा सके। तो इलाज के अभाव में, क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों में कोई इलाज होना है, पैसा नहीं है, तो या तो उनका परिवार का सदस्य परमानेंट जो अपंग हो जाता है या कई बार मृत्यु हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी योजना है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की हुई योजना स्वास्थ्य विभाग के लिए, मैं इस योजना को सर्वोत्तम योजनाओं में मानता हूँ। और मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग, हम अपने स्तर से तो व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे ही, लेकिन आप लोग भी जहाँ भी जाएं, लोगों से मिले, परिवार से मिले, रिश्तेदारों से मिले, गांव में बैठे हैं, गांव में बैठक हो रही हो, वहां जाके इस योजना के बारे में जरूर बनाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग, हमारी केवल एक ही इच्छा है, इस योजना का लाभ अधिक से अधिक हमारी गरीब लोग उठा सके।